हेलो दोस्तों, शास्त्र की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, जो सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने कटहल को ले लिया है और कुकर रख दिया है। अब हम कुकर में डालेंगे कटहल को। अमेजिंग। इनको हमको उबालना है, इसलिए हम इनको एक भाप में उबाल लेंगे। अब इसमें हमने डाल दिया है पानी। पानी हमने एक से डेढ़ गिलास के करीब डाला है। ये देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसमें हम डाल देंगे आधे चम्मच के करीब, दो चम्मच इसमें हम डाल देंगे तेल, दो छोटे चम्मच हैं। और इसमें डाल देंगे आधे चम्मच के करीब नमक। और इनको हम सीटी लगा देंगे, ये एक सीटी आ जाने तक। और हमने भीगे हुए चावल ले लिए हैं, तीन से चार हरी मिर्ची ले ली है, काली मिर्च ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है। इनको हमने महीन पीस लिया था, पीस के हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें भी हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच हमने लाल मिर्च ली हैं, आधे चम्मच के करीब इसमें हमने नमक डाल दिया है। हमने उबलने में भी नमक डाला है, इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। एक चौथाई हिस्से के करीब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अभी हमको इसका सालन बनाना है, तो इसके लिए हमने प्याज लिया है, अदरक लिया है थोड़ा सा, और काली मिर्च, ज़ीरा, इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे। ये देखिए, ये कटहल हमारा उबल चुका है। इसको अब हम एक छन्ने में डाल के इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, हमने छन्ने में डाल के इसका पानी निकाल दिया है। इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये ठंडा हो चुका है और हमने चढ़ा दिया है गैस पे कढ़ाई। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। आज हम आपको दिखाएंगे कटहल को दो तरह से फ्राई करते हुए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे कटहल। अभी हम पीस करके उसमें जो पीस है कटहल का, उसमें हमने ये जो मसाला था उसमें हमने इसको लपेट के फ्राई, मतलब इसका फ्राई कर रहे हैं। और अभी इसकी हम टिकिया भी बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी ये एक तरह हो गया है, अभी हम दूसरी तरह भी आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग को जो आसानी लगे आप लोग वैसे तल सकते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार बनाएंगे तो मटन चिकन खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। डाल देंगे और इसको भी अभी हम मिक्स करने जा रहे हैं। जो चावल की पिट्ठी हमने बनाई थी उसी में हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एक तरफ से हो चुका है, पलटते पलटते हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं फ्राई करके, जैसे कि कटहल के पकोड़े समझ लीजिए, या फिर ऐसे मतलब खा सकते हैं इसको। और इसको आप सालन में भी डाल सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। तो इसकी आज हम सब्जी बना रहे हैं।
ये देखिए ये हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम आपको दूसरी तरीके से बताएंगे कि आप कैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ये टिक्किया बना बना के हम तल जाएंगे। दोनों तरफ से सेक लेंगे इसको पलटते पलटते, क्योंकि हम सिकाई कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से पलट दिया, दूसरी तरफ से पलटते 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 इसको हम अब निकाल लेंगे। आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। ये देखिए हमने दोनों तरह से आप लोगों को फ्राई करके दिखा दिया है। अब हम बनाएंगे सालन इसका, इसके लिए हमें तेल बहुत ज़्यादा था उसको हमने निकाल लिया है, और जितना हमको तेल की ज़रूरत थी उतने तेल में हमने उसमें मेथी डाल दी है। देखिए हमारी गोल्डन फ्राई हो जाए, फिर हमने जो मसाले आप लोग को दिखाए थे प्याज अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च, उन सभी चीज़ों को हमने उसका पेस्ट बना लिया था, उसको अब हम इसमें डाल देंगे। और कौन कौन से मसाले डालते हैं आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इसमें हमने एक चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, एक छोटी चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दी है, एक चम्मच भर के हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, और हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, मतलब भुनने पे आ चुका है, इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए ये तेल छोड़ने भी लगा है। फिर इसमें हम डालेंगे एक गिलास के करीब पानी, तो इसकी पहले हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए और ये भुन गया था, तो इसमें हमने एक गिलास के करीब पानी डाल दिया है, और पानी में जब थोड़ा सा उबाल आने लगेगा तो इसमें हम फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे। ये देखिए पानी हमारा उबलने लगा है, तो इसमें हम फ्राई किए हुए कटहल को डाल देंगे। ये बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी बनाइए, अपने फैमिली वालों को खिलाइए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है हमने इसमें।